हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आशा आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो गाइस, यार आज जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, बारिश के बाद का जो नज़ारा है कितना मस्त नज़र आ रहा है। और मैं निकल रहा हूँ अभी जागेश्वर को, और मैं आज घूमने अंकल के साथ जा रहा हूँ। आप लोग जैसे देख सकते हैं क्या खूबसूरत नज़ारा दिख रहा है। काले बादल भी हैं, डर भी लग रहा है कहीं बारिश ना हो जाए। और हम लोग निकल रहे हैं, अभी थोड़ी देर में भीमताल पहुँचेंगे। सो गाइस, हम लोग पहुँच गए हैं भीमताल और देखिए क्या खूबसूरत नज़ारा। सो गाइस, अल्मोड़ा जागेश्वर जाते समय बीच में आपको खूबसूरत सा मंदिर नीम गौली बाबा जी का मंदिर भी दिखाई देगा। और जबकि आज मौसम इतना ख़राब है, उसके बाद भी बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। और ये व्यू मैं आपको दूर से दिखा रहा हूँ, और दूर से भी कितना खूबसूरत लगता है। सो गाइस, शाम हो चुकी है और ये है अल्मोड़ा का व्यू। चलते हैं आगे को। इसका ब्लॉग सीधे जागेश्वर से शुरू हो रहा है। मैं यहाँ पे कल पहुँच गया था, 8:30 बजे रात को पहुँचा, और बहुत ज़्यादा ठंड थी यहाँ पे, अब क्योंकि शायद 2-3 दिन से लगातार बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। और यहाँ का मैं मौसम दिखाता हूँ। सो यार, ऐसा कुछ मौसम हो रहा है यहाँ पे। और मैं जहाँ पे स्टे कर रहा हूँ वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊँगा। नाम शायद शिवा होटल करके है, और कोई रिटायर्ड अंकल जी हैं आर्मी से, वो इसको रन करते हैं। और बड़े अच्छे हैं, पहाड़ के लोग तो वैसे ही अच्छे होते हैं। तो दिखाता हूँ थोड़ी देर में, और तैयार वगैरह भी होना है यार अभी, फिर मंदिर भी जाना है आज। फिर मिलते हैं आगे। सो गाइस, फाइनली मेरा नहाना धोना हो गया है यार, और आज तो बहुत अच्छी धूप आई है, और जो ठंडी थी वो सारी गायब हो गई है। बहुत मज़ा आ रहा है। और मैं जिस होटल पर रुका हूँ वो ये है, ये है, और ये किसी रिटायर्ड जो हैं फौजी अंकल का। और पहाड़ों में तो सभी लोग अच्छे हो रहे हैं, तो कहने वाली बात नहीं। और थोड़ी देर में मैं निकलता हूँ जागेश्वर मंदिर मंदिर की ओर, और फिर वहाँ मिलता हूँ आप लोगों से। सो गाइस, आई एम हियर इन द जागेश्वर वैली, और मैं दिखाता हूँ यहाँ पर कितनी खूबसूरत सी वैली है, और कितने मीन्स यहाँ पे जो घर घर बनाए हैं जागेश्वर, जो गांव है वो भी दिखाता हूँ आपको। आसमान देखो यार, कितना प्यारा लग रहा है, बिल्कुल नीला आसमान लग रहा है और सफ़ेद बादल लग रहे हैं। और यहाँ पे जो घर वगैरह हैं पूरे जागेश्वर के घर हैं। और आगे पे जहाँ पे धुआं आ रहा है वहाँ पे है जागेश्वर गांव। और यहाँ पे पूरी ग्रीनरी देख रहे होंगे आप लोग, बैठने बैठने के लिए हो सकता है। और बंदर हैं यार बहुत सारे। और जो यहाँ पे दिख रहा है हमारी भाषा में पुल है, और जो बाहर के लोग हैं उनके हिसाब से ब्रिज है। और यहाँ से पानी बह रहा है, जैसे ऐसा कुछ दृश्य है यहाँ। और यहाँ पे ये म्यूज़ियम है, जागेश्वर म्यूज़ियम, जागेश्वर लिखा हुआ है यहाँ पे। है क्या अंदर ये मुझे पता नहीं है, अभी खुला भी है कि नहीं खुला। अगर मौका मिलेगा तो यहाँ भी जाऊँगा और यहाँ भी दिखाऊँगा आप लोगों को। और ऐसा कुछ मौसम हो रहा है यहाँ पे। तो दोस्तों, मैं पहुंच गया हूं मंदिर के अंदर, और यार मंदिर के अंदर भी चले गया हूं मैं। ये मेन दरवाजा है, ये यहां पर मेन दरवाजा है। सो गाइस, यार मैं तो यहाँ पे बहुत मीन्स पहली बार ही आ रहा हूँ, और यहाँ पे जो मैं जिनके साथ आया हूँ अंकल, वो तो पहले भी आए हैं, तो ज़्यादा बता पाएंगे आपको यहाँ यहाँ के बारे में। और अभी यहाँ पे कुछ रिसीप वगैरह करा रहे हैं, शायद कुछ डोनेशन वगैरह कर रहे होंगे उसका। सो यहाँ पे यार पूरा जो है ना मंदिर, आज भीड़ कम है थोड़ा, लेकिन बहुत ज़्यादा हैं मंदिर बने हुए हैं, लिंक्स बहुत ज़्यादा हैं, उतने सारे तो मैं दिखा भी नहीं पाऊँगा, तो इस वजह से मैं ऐसे ही दिखा रहा हूँ। और कहीं भी वो आगे भी वहाँ पर आग वगैरह धुआं वगैरह लगाई होगी, तो वहाँ से आ गया। और मौसम भी बहुत ज़बरदस्त हो रहा है। हेलो, आई एम संजय, अभी जागेश्वर धाम मंदिर में है। ये मुख्य मंदिर है श्री ज्योतिर्लिंग जागेश्वर मंदिर, नागेश द्वार का बने।
यहाँ पर लिखा हुआ है, अंदर ज्योतिर्लिंग है और इसके साथ में कई छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं जो बहुत ही प्राचीन समय से यहाँ पर बने हैं। देखिए वानर महाराज बैठे हैं मंदिर के ऊपर, छोटे से मंदिर के ऊपर, बहुत ही मनोरम दृश्य है। ये परिक्रमा कर रहे हैं मेन मंदिर की आसपास, छोटे छोटे कई मंदिर बने हुए हैं। और ये मुख्य मंदिर का पीछे का हिस्सा है परिक्रमा करते हुए। और यहाँ देखिए बहुत सारे प्राचीन छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं। शांति रहे घर वालों। ये हवन हो रहा है और यहाँ पर हवन किया जा रहा है। यहाँ पे एक और ज्योतिर्लिंग है, ये भी बहुत प्राचीन है, ये महामृत्युंजय ज्योतिर्लिंग कहते हैं। सो दोस्तों हम लोग आ गए हैं मंदिर से, और मंदिर में तो यार बड़ी सुख शांति होती है। और मैं जो है जो मूर्तियाँ वो तो वो दिखा नहीं सकता क्योंकि अलाउड नहीं होता, और वो चीज़ ठीक भी है यार कहीं ना कहीं। तो मेरे को तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बिल्कुल बहुत ज़्यादा शांति थी। मेडिटेशन किया 15 मिनट तो ऐसी शांति मिल जाती है। और आपको कैसा लगा, आपको कैसा लगा मंदिर में जाके बहुत अच्छा लगा, मज़ा आया, बहुत मज़ा आया।